चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत NH-33 TCI आसन बनी से लापता हुए ट्रांसपोर्टर दिलीप महतो को चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय सिंह के नेतृत्व में धालभूमगढ़ से सकुशल बरामद किया गया है। मामले के संबंध में शुक्रवार को अनुमंडल कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए SDPO संजय कुमार सिंह ने बताया कि 10 जनवरी को चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बीरीगोड़ा निवासी ट्रांसपोर्टर दिलीप महतो के लापता होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके ठीक अगले दिन स्थानीय लोगों द्वारा अपहरण की आशंका को लेकर NH-33 जाम किया गया था। मामले को लेकर ट्रांसपोर्टर दिलीप महतो के भाई प्रदीप महतो के बयान पर अपहरण कांड अंकित किया गया, जिसके बाद पुलिस ने वरीय अधिकारियों से प्राप्त निर्देश के बाद त्वरित कार्रवाई शुरू की। SDPO ने बताया कि पूर्व में ट्रांसपोर्टर लोकेशन हावड़ा मिल रहा था, बाद में लोकेशन धालभूमगढ़ मिला, जिसके बाद पुलिस ने फौरन धालभूमगढ़ पहुंचकर दिलीप महतो को सकुशल बरामद किया। इन्होंने बताया कि दिलीप महतो धालभूमगढ़ में अनुसंधान में उन्होंने पुलिस को बयान दिया है कि डिप्रेशन में आकर वे लापता हो गए थे। इधर पुलिस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी अनुसंधान में जुटी हुई है। ट्रांसपोर्टर के सकुशल बरामदगी हेतु गठित टीम में SDPO के अलावा चांडिल इंस्पेक्टर पास्कल टोपो, ईचागढ़ थाना प्रभारी दिनेश ठाकुर, चांडिल थाना प्रभारी अजीत कुमार समेत सशस्त्र बल शामिल थे। देखिए, दिनांक 10/1/23 को हम लोग को जानकारी मिली शाम में लगभग 4-5 बजे की, दिलीप महतो जो आसन बनी के रहने वाले हैं ये गायब हो गए हैं, इनका मोबाइल स्विच ऑफ मिल रहा है और शायद इनका अपहरण कर लिया गया है। अपहरण की जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी, पुलिस निरीक्षक, मैं स्वयं इसकी तहकीकात करने में लगा। बाद में जब ट्रेस आउट नहीं हुआ, इनकी गाड़ी NH में माउंट व्यू होटल के किनारे NH किनारे पार्क की हुई मिली, तो संदेह और भी हमें बढ़ गया। इसके बाद कुछ मीडिया ने और कुछ आमजनों ने और इनके परिजनों में बहुत बेचैनी हो गई, खलबली हो गई कि NH से दिन दहाड़े दिलीप महतो जो यहाँ के काफ़ी लोगों में काफ़ी जान पहचान वाले आदमी हैं, इनका बिजनेस भी चलता है और सामाजिक रूप से भी NH में दुर्घटना में शामिल हुए हैं, तो काफ़ी सनसनीखेज खबर हो गई उस दिन। तो हम लोग इसमें उतनी ही संजीदगी से और उतने ही त्वरित गति से अपने अधिकारियों से बात करके हम लोगों ने इसमें काम शुरू कर दिया। और जब लोगों ने बताया कि अपहरण हो गया, तो हमने इसे अपहरण मान के ही अपना काम शुरू कर दिया। आपने देखा होगा कि 11 तारीख को लोगों ने रोड जाम कर दिया था और इसके लिए वो इनकी रिहाई के लिए काफ़ी आंदोलनरत थे। वैसे सिचुएशन को देखते हुए, इसकी गंभीरता को देखते हुए, हम लोगों ने एक टीम बनाया जिसका लीडरशिप मैं खुद कर रहा था। हमारे पुलिस निरीक्षक पास्कल टोपो, थाना प्रभारी अजीत और चांडिल के और अचागढ़ थाना प्रभारी दिनेश और अनुसंधानकर्ता सभी मिलके हम लोग जो है इसको खोजने में लग गए। तकनीकी शाखा से हमें इनका लोकेशन मिलने लगा। हम लोगों को 11 तारीख को हम लोगों को इसका लोकेशन हमें मिला हावड़ा का। हावड़ा में हम लोगों ने रात में ही टीम रवाना कर दिया। हमारी पूरी टीम रात में चली गई और मैं हमेशा कांटेक्ट में फ़ोन पे बना हुआ था, टेक्सेल के तकनीकी शाखा से कांटेक्ट में हम लोग थे और हम भी रात भर जगे रहे, मॉनिटर करते रहे, लेकिन नहीं ढूंढ पाए। कल हमें फिर लोकेशन इनका किसी न किसी कारणवश हमें धालभूमगढ़ के आसपास में मिला। हम लोग वहाँ पर लगाए और जब तक हम लोग खोजबीन कर रहे थे हमारी पूरी टीम, तब तक मैं इनके ही परिजनों के माध्यम से इनका लोकेशन, इनके ही एक भाई हैं सुधाकर जो वहाँ रहते हैं धालभूमगढ़ में जॉब कर नौकरी करते हैं, उन्हीं के घर में मिला, वहाँ से हमें ले आए हैं। ये अभी तक के जांच में इनके बयान से यही बातें हमें मिली है कि ये एक डिप्रेशन में चले गए थे अपनी समस्याओं को लेकर के और इन्हें रास्ता नहीं दिख रहा था और ये अचानक से अपना मोबाइल फाइल बंद करके गाड़ी छोड़ छाड़ के अपना कहीं छपित हो गए थे। अभी तक कोई अपराधी की बात इसमें हमें नहीं मिली है और जो भी इसमें और पहलू हैं हम लोग उसको जांच कर रहे हैं कि इसमें आखिर क्या रहस्य था, किस कारण से ये घटना सामने आई। इसमें सर जो जाम किए थे उस दिन, उस पर भी कोई कार्रवाई होगी?
हम लोग देख रहे हैं, अगर उसका वीडियो फुटेज वगैरह देख रहे हैं, जिन लोगों ने अगर जाम किया है और सक्रियता पूर्वक से इस घटना को रंग देने की राजनीति किया, अपने अपने निजी निजी कॉलर चमकाने के लिए अगर किसी ने कोई काम किया होगा तो पुलिस उसमें एक्शन लेगी। अदरवाइज हमें इनके परिजनों से सिंपैथी है, सहानुभूति है, हम उनके किसी के साथ घटना होती है तो हम लोग सहानुभूतिपूर्वक थोड़ा सा नरमी बरतते हैं, मगर कानून व्यवस्था कोई हाथ में लेगा तो कोई भी आदमी हो उनके विरुद्ध कार्रवाई तो संभव है। अभी तक के जांच में अपहरण की बातें नहीं है, बिल्कुल प्रेशर इनके निजी बिजनेस कारोबार में अपनी कुछ कमी बेसी होते रहते हैं इंसान को, और वैसी कुछ इनकी कमी होगी जिस पर हम लोग अभी जांच उतना नहीं कर पाए हैं। हम लोग बस इनकी कुशल रिहाई, कुशल रूप से इन्हें वापस घर हम लोग ढूंढ निकाला। ऐसे कभी कई बार होते हैं डिप्रेशन में लोग जाके कुछ कर भी लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे पर दबाव बढ़ जाता कि अपहरण के कारण ही अपहरण मार दिया, कुछ हो गया, ऐसे कुछ हाथ कम से कम उस हादसे में हम लोग ना गए हैं और इनको सकुशल इनके परिजनों तक पहुँचाने में कामयाब हुए। हम लोग इसी में खुश हैं और जो पहलू है उसको हम लोग जाँच करेंगे, इस होगा तो हम लोग उसको ढूंढेंगे।